भगवान श्री काल भैरव मंदिर के परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थैंक्स के लिए हम रखते हैं, हर साल रखते हैं। सर्वप्रथम तो मैं अपने मंदिर के सभी सेवादारों का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने इस भंडारे को चार चांद लगाए और अपनी मेहनत से और अपने तजुर्बे से हर साल की तरह इस साल और बढ़ चढ़ कर काम किया और इस भंडारे को कामयाब बनाया। धन्यवाद करूंगा मैं मीडिया का जिन्होंने घर घर तक जाके ये मंदिर के सारे प्रोग्राम्स दिखाए, जिसके कारण मंदिर परिसर में और भी चार चांद लगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि भगवान काल भैरव जी के मंदिर में आए, उन्होंने शीश नवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया और भारत देश के लिए उन्होंने बहुत कामनाएँ मांगी कि भारत देश और ऊँचाइयों की ओर जाए। पूरे प्रशासन का मैं धन्यवाद करता हूं, जो भी डिपार्टमेंट्स इस भंडारे के साथ जुड़े हुए थे, वैसे तो सारे ही डिपार्टमेंट जुड़े हुए थे, डीसी ऑफिस, डिपकॉम ऑफिस, ट्रैफिक विभाग, पुलिस विभाग, जितना भी है, पीएचई, पीडीडी, ये फायर ब्रिगेड सर्विसेज, हर डिपार्टमेंट में बड़े ही अपने जोरों शोरों से उन्होंने अब यहाँ पे काम किया और इस भंडारे को सक्सेसफुल बनाने में हमारा साथ दिया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। और जो भी भक्तजन यहाँ पे आके टूरिज्म डिपार्टमेंट जैसे इन्होंने यहाँ पे आके माथा टेका और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले 2024 में जो भंडारा होगा उसमें सारे का सारा प्रोग्राम कोशिश करेगा कि टूरिज्म की तरफ से यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होंगे। भगवान काल भैरव जी से यही मेरी प्रार्थना है कि जो भी भक्तजन जहाँ पे आए थे, जितने भी डिपार्टमेंट्स के भक्तजन यहाँ पे आए थे, उनको भगवान काल भैरव जी अपने चरणों में लगाए रखें और वो हर साल ऐसा ही काम करें। भगवान काल भैरव जी की कृपा सब पर बनी रहे। 2024 को यहाँ पे मंदिर में एक दंड फांडा होगा जो साल में एक बार ही होता है। इस साल वो 4 जनवरी को होने वाला है। 4 जनवरी को ये सायं 6 बजे मंदिर में ही होगा। जो भक्तजन भी ये दंड फांडा कराना चाहते हैं या जिनको कोई ऊपरी वादा है, जिनको कोई शारीरिक कष्ट है या घर में कोई परेशानी है, वो ये दंड फांडा ज़रूर कराएं। ऐसी मान्यता है कि ये दंड फांडा कराने से कोई भी ऊपरी वादा हो वो दूर हो जाती है और भगवान काल भैरव जी की कृपा पूरा साल बनी रहती है। अंत में प्रशासन को, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को और जो भी भक्तजन यहाँ पे हैं उनको सबका मैं धन्यवाद करता हूँ।